नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर राशि वालों का आने वाला 7 दिन यानी कि 1 दिसंबर 2020 से 7 दिसंबर 2020 तक का समय कैसा बीतेगा। आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले 7 दिनों का अनोखा टोटका है, जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपत्ति के बारे में। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। आने वाले समय के दौरान अपने फिजूल खर्ची पे, अपने फालतू के खर्चों पे आपको ध्यान देना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धन संपत्ति के मामलों में परेशानी का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके घर परिवार में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो आने वाले समय के दौरान सबसे पहले आपको उस परेशानी को ख़त्म करना होगा। अपने घर परिवार के माहौल को आपको अच्छा, बेहतर और शानदार बनाना होगा, क्योंकि यह आपके घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा किया था, कोई भी प्रॉमिस किया था, तो आने वाले समय के दौरान अपने वादे को आपको निभाना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने वादे को निभाते हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा रोमांचक और बेहतर होगा। लेकिन आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आने वाले समय के दौरान आपके व्यापार के दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने कामकाज में, अपने व्यापार व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने सहकर्मी, अपने कर्मचारियों के साथ आपको वार्तालाप करना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके कामकाज राज्य में, आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारियों का साथ, आपके कर्मचारियों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान
आपके लिए अनोखा टोटका क्या है? आने वाले समय के दौरान किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा? दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आने वाले समय के दौरान आप अपने क्षमता के अनुसार गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर और सहाय ऐसे लोगों की सेवा करें, ऐसे लोगों की सहायता करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।